आप बिल्कुल आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करें। बिल्डर भी फर्स्ट क्लास सही है, जिसको हम खास तौर पे कहते हैं बिल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स की हमारी जिम्मेदारी है, जमीन की हमारी जिम्मेदारी है। बाउंड्री वॉल सोसाइटी के साथ ये इसकी लोकेशन है, मोटरवे M9 की, हाईवे को टच करती हुई इसकी लोकेशन है। बाउंड्री वॉल इसका कम्प्लीट हो चुका है। इसके अंदर प्लॉट्स है हमारे पास 80, 120 और 200 गज की कैटेगरी में। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हमारा हुआ है, हमने 200 गज की इन्वेंट्री पैक कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सोसाइटी M9 सुपर हाईवे पे जो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत पसंद है, उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज एक सोसाइटी जिसके ऊपर बाकायदा गेट बन चुका है और मकान के तामीरात भी मकान के शुरू हो गई है। और आज आप देखें, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि बाकायदा आज तकरीब भी जारी है और इस वक्त इनॉग्रेशन है बाकायदा, क्योंकि इनके तमाम एनओसीज़ हो गई हैं और अब डेवलपमेंट का काम भी और तामीरात का काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। और आज मेहमानों की बड़ी तादाद देखें इस वक्त मौजूद है और जो कि इस तकरीब में बाकायदा आई हैं और इस इनॉग्रेशन के लिए। कौन सी सोसाइटी है दोस्तों, मैं बताऊं, हिल टाउन। हिल टाउन एक अच्छी सोसाइटी है, उसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई लिटिगेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं है। हाईवे में अक्सर प्रोजेक्ट जो बने हैं उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल आप ज़रूर देखेंगे। ये इसकी लोकेशन पर समझा दूं, यहाँ से आप अगर सीधे हाथ पे चले जाएं आगे तो दरअसल कमांडर सिटी है। कमांडर सिटी से पहले बिल्कुल मेन रोड आपको नज़र आ रही है, गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं। इन गाड़ियों के साथ साथ ये एक प्रोजेक्ट है हिल टाउन के नाम से। ये कमांडर सिटी है तो हिल टाउन के साथ ये कमांडर सिटी अच्छी बात है, जो कि बहुत आबाद हो चुका है। और यहाँ से देखें ये रास्ता एक निकल रहा है। अगर आप इन्हीं रोड के दूसरी तरफ जाना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात ये है कि आपको ये रास्ता सामने नज़र आ रहा है। इस रास्ते से निकल कर आप जो है दूसरी तरफ, यानी वापसी कराची का रास्ता आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए हम वापस मुड़े हैं तो ये सामने आपको कमांडर सिटी नज़र आ रहा है और यानी हम रोड के दूसरी तरफ हैं, आगे बढ़े हैं और यहीं से आपको रास्ता वापसी का भी मिल जाएगा कराची जाने के लिए। दोस्तों ये देखें, ये वापसी का रास्ता आपको नज़र आएगा और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये आपको देखें तो वापसी का रास्ता मिल जाएगा। तो ये है यहाँ से आप वापसी में रास्ता कराची की तरफ जा रहे हैं। इस लिहाज से ये लोकेशन इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि आप हैदराबाद की तरफ रुख अख्तियार कर सकते हैं और वापसी में बहुत करीब कराची का रास्ता है जो कि अभी जा रहा है इस रास्ते से। ये सामने से रास्ता आपको नज़र आ रहा है। और हिल टाउन में जो ख़ास बात है जो कि दूसरे प्रोजेक्ट से मुमायज़न है, करता है और डिफरेंस रखता है, वो ये है कि इसमें 25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें कोई वॉल्यूशन नहीं है। 25 एकड़ के ऊपर बाकायदा बाउंड्री वॉल बनी है और ये नहीं है कि आमतौर पे जो प्रोजेक्ट बने हुए ना वहाँ पे कोई ना कोई वॉल्यूशन है ज़रूर। तो अहम बात ये है कि आप हाईवे पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनेंगे ना, बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि लीगल हैं इस तरह के, ठीक है। वहाँ पे आप कोई प्लॉट लेंगे वो के बिकेगा, पैसे नहीं बढ़ेंगे उसके, बिकेगा नहीं, इसलिए कि वो बिल्डर आगे आगे पीछे देता रहता है। वो प्लॉट पे प्लॉट दिया जाता है, पीछे ज़मीन घेरे जाता है, बनाया जाता है नाकला ज़मीनें पकड़ पकड़ के, बाद में उसको जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन हो या ना हो। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बड़ी पब्लिसिटी हो रही है लेकिन उनके प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे और डिलीवर भी नहीं होगा। 30-40 साल हो जाएंगे डिलीवर नहीं होगा। लेकिन सारे ही नहीं कह रहा मैं, बहुत से प्रोजेक्ट बाज़ ऐसे हैं लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये हिल टाउन। इसलिए मुझे मैंने कहा कि 25 एकड़ पर इन्होंने बाकायदा बाउंड्री वॉल बनाई हुई है और बाउंड्री वॉल के साथ साथ इसमें जो है ना आप SBCA से NOCs हो चुकी हैं, 7 डेवलपमेंट से इनका अप्रूव हो चुका है प्लान और बाकायदा इनके मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं तो बाकायदा इसको तमाम कॉर्नर्स पर, तमाम बाउंड्रीज पे बाकायदा मोहर लगा दी कि अब इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी। लिहाजा अब जब आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपना प्लॉट ख़रीदेंगे तो बिल्डर को ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बिल्डर के पास ख़त्म हो रही है इन्वेंट्री। हम भी आपके पास कुछ इन्वेंट्री हमारे पास है, कुछ रेट्स भी उसमें डिस्काउंट भी हो जाएंगे, उसमें आपको आप रब्ता करिएगा, रेट्स वेरी करते रहते हैं लेकिन आपको इंशाल्लाह हम अच्छे प्राइस में दिलवा देंगे। तो मैं बता रहा यह था कि इसमें फिर आपके प्राइस इसलिए बढ़ेंगे कि बिल्डर को ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे लेगा, कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे लेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे रब्ता
कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास कुछ है जो कि रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने वो आपको दिलवा देंगे। गेट इसका बन गया है, गेट के बाहर देखें मेन ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड के साथ साथ जो आगे जो है वो हाईवे चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये कॉर्नर का प्लॉट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये प्लॉट कॉर्नर का है, वहाँ से देखें आपको एक बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। ये बाउंड्री वॉल पूरी चल रही है इस तरह, और ये बाउंड्री वॉल आगे जाकर दोस्तों ये पूरी वहाँ तक ख़त्म हो रही है। और आज माशाल्लाह देखें काफ़ी लोगों के रुझान है, बहुत सारी बड़ी तादाद में मेहमान आए हुए, और बिल्डर भी अच्छा है, बिल्डर का नाम भी अच्छा है, और किसी किस्म का अच्छा। इसका पिछला प्रोजेक्ट भी एक बार बता दूँ मैं आपको, प्रोजेक्ट का हिल टाउन का एक और प्रोजेक्ट रोड के सामने जो है मेन हाईवे के सामने, सिटी फार्म्स के नाम से। ये खुद मैंने अपने भाई को, अपने भांजे को, अपने दोस्तों को दिलवाएं प्लॉट, आधा आधा एकड़ के प्लॉट हैं। वहाँ बिल्कुल पक्की ज़मीन है, सर्वे ज़मीन है, सिटी फार्म में आप अगर फार्म हाउस बनाना है चाहे तो इधर उधर फालतू ज़मीनों पे ना जाएं, और वहाँ पर आपको आधे एकड़ के सिटी फार्म पे आपको मिल जाएंगे, इसी बिल्डर के हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पर इस वक्त जो है ना 100 गज़ के कमर्शियल मौजूद हैं, कमर्शियल के आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जो है ना 80 गज़ के और 120 गज़ के, 200 गज़ के भी आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाएंगे। ऐसी चीज़ें जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िम्मेदारी है, डॉक्यूमेंट्स की हमारी ज़िम्मेदारी है, ज़मीन की हमारी ज़िम्मेदारी है, आप बिल्कुल आग बंद करके इन्वेस्टमेंट करें। बिल्डर भी फर्स्ट क्लास सही है, जिसको हम खास तौर पे कहते हैं बिल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और साथ साथ जो है ना इसके कागजात बिल्कुल पक्के हैं। तो अब यह है कि आप देर ना करें, इस वक्त अब तेज़ी आ जाएगी मार्केट में, ओवरऑल हालात अच्छे हो रहे हैं, और यहाँ पर अब तेज़ी इसलिए आएगी कि अब यहाँ पर जो है ना इनके बाकायदा अब एक्टिविटी शुरू हो गई है, मकान यहाँ बन चुके हैं, यहाँ पर और भी एक्टिविटी चल रही हैं। तो बहरहाल ये थी मालूमात हिल टाउन की, इंशाल्लाह ताला आई होप के आप हिल टाउन के इन ऑफर्स से आप फ़ायदा उठाएंगे, और हिल टाउन को एक अच्छे प्रोजेक्ट में मैं शुमार करता हूँ। तो आप देर ना लगाएं, ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, राबता करें दिए नंबरों पर, इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं इस जगह के बारे में, जो कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इजाज़त दी इंतखाब सूरी को, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।